आज हम बनाएंगे सच्चा साबू साबूदाना सोया कबाब। इसके लिए हमें चाहिए सच्चा साबू का साबूदाना। आधा कटोरी सच्चा साबू साबूदाना लें। इसे 3 घंटे के लिए पानी में भिगो लें। आधा कप क्रश की हुई सोया बड़ी को पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दें। अब इसमें भीगा हुआ सच्चा साबू साबूदाना मिलाएं। आधा कप मैश किए उबले आलू मिलाएं। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालें। आधा छोटा चम्मच कड़ी पत्ते डालें। सभी चीजें एक साथ अच्छे से मिलाएं। साबूदाना और सोया कबाब का मिश्रण बनकर तैयार है। हाथों में तेल लगाकर कबाब को गोल आकार दें और एक प्लेट में रखते जाएं। इसी तरह से सारे कबाब तैयार करें। इस रेसिपी को आप शाम की हल्की भूख में बना सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। शैलो फ्राई करने के लिए तेल गरम करें और सभी सच्चा साबू साबूदाना सोया कबाब इसमें रखते जाएं। मंदी आंच पर सुनहरा होने तक सेके जिससे ये अंदर से भी पक जाए। अब इन्हें पलट कर दूसरी ओर से भी कुरकुरा होने तक सेके। सच्चा साबू साबूदाना सोया कबाब बनकर तैयार है। इन्हें इमली की चटनी के साथ गर्मा गर्म परोसें।